जाए
जिनस जाए छो थे देहे बिनस जाए झूठी देहे वाहे गुरु। कोई सेवे गुसैया कोई अलाए कोई सेवे गुसैया कोई अलाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए 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 कोई सेवे गुसैया कोई अलाए कोई सेवे गुसैया कोई अलाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए Hey!
सेवे गुसैया कोई अलाय, कोई सेवे गुसैया कोई अलाय, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदा। जल की भी
समरी ढेरे ए तन होए गो पसमरी ढेरे प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या शरणागत राजा रामचंद्र तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी अपने कर्म की अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं पशु मरे दस का जी सवारे
जानो बबरे अपने कर्म। केस जले जैसे घासी कपूला, हाडी जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घासी कपूला, कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मुंड में लागे। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा कर्म। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, अपने कर्म, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबारे, मैं क्या जानूं बाबारे, मैं क्या जानूं बाबारे, अपने कर्म, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबारे, मैं क्या जानूं बाबारे, क्या जानूं बाबा रे। वाहे गुरु, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, इंसान संसार दे विच आउंदा है, संसार दे विच आकर के पता नहीं कितनियां सारियां आसां उम्मीदां लगाउंदा है, पर यह मौत सारे आसां ते उम्मीदां दे दरवाजे बन करके खड़ो जांदी है। मालक अल मौत जां आपसी सब दरवाजे बन, वेखो बंदा चलिया चौहों जणियां दे कन। इस संसार से जोड़ा भी आया हो उसनों एक दिन जाना पैंदा है, भावें कोई अमीर है भावें गरीब है। राणा राव ना को रह रंगना तुंग फकीर, वारी अपो अपनी कोई न बंदे धीर। इस संसार से इस दुनिया दे विच कोई भी पक्का नहीं रह सकता। मौत सत्संग दी सब नूं आउंदी है, किसी नूं बचपन विच, किसी नूं जवानी विच, किसी ने बुढ़ापे विच। पर सच यही है कि एक दिन संसार तो जाना ही पैंदा है। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। पर गुरबाणी सानू यही समझांदी है, ये जड़ा तेन मनुखा जीवन प्राप्त होया है, तू प्रभु का सिमरन कर, उसनू याद कर, क्योंकि उस अकाल पुरख परमात्मा की दरगाह दे विच एक नाम किया होया, उस सिमरन किया होया, उसने याद किया होया कम आवेगा। जह मात बिधा सुत मीत न भाई, मनुहा
नाम तेरे संग सहाई। हर बिन तेरो को ना सहाई, काकी मात पिता सुत बनता को काहू को भाई। उस अकाल पुरख दरगाह दे विच तेरा किसे ने साथ नहीं देना, एक नाम तेरे साथ जाएगा। जीव नू यही समझाया गया है, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जल की भीत पवन का तंबा, रकत बूंद का गारा, हार्ड मास नाड़ी को पिंजर। ये संसार ये शरीर साढ़ा जरा शरीर है ना, इसी तरह हार्ड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। भगत कबीर जी सानू समझाते हैं, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। अवशासन जी सारे ये शब्द श्रवण करिए, सब ने जपना। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। वगुरु जो किछ है सो है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, 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 मेरा मुझ में किछ नहीं। और शब्द श्रवण करिए, क्योंकि इंसान कलजुगी जीव है, संसार दे विच रहिंदे होया इंसान को बेअंत भुला हो जाती है। पातशाह कृपा कर उस विछड़ी आत्मा नु अपने चरणा च निवासा बख्शन। सारिया संगतां शब्द सरवण करिए, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पौजल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पौजल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पव जल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पव जल फेरा। कहते कबीर सुनो रे सन, बंदे कहो बहुर ना पव जल फेरा। देही गावा जियो तार में है तो बसे
पव जल फेरा अब की बार बख्श बंदे कहो बहुर ना पव जल फेरा बहुर ना पव जल फेरा बहुर ना पव जल फेरा अब की बार बख्श बंदे को बहर न पव जल फेरा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी विछड़े आत्मा अपने चरणा च निवासा बख्शना पिछे परिवार ते मेहर भरे हाथ रखना बेअंत माया कीर्तन भेट अरदास हुई सतगुरु जी नाम आप जानते हो सबना दे खजाने भरपूर कृपा करनी मेहर भरे हाथ रखना जी आओ कीर्तन की समाप्ति करिए सारी कृपा करो राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईया नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सब नांगला समर्थ स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रे है जिस दे सुभावे सदा सब सलाहा तेरे नाम जिनके मन में वस्या बाजे शब्द कनेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दया ये वडियाया आधारु वाजे पंच शब्द तित कर्स पागे शब्द वाजे कला जित करतारिया तुर कारु पाया तू जिनको से नाम हर के लागे अनंत सुनो बड़ भागियों सगल मनोरथ पूरे सुनी सच्ची बाणी संत साल पे सर से सुनते पुनित कहते पव सतगुर रहया भरपूरे गुर चरण लागे वाजे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात दिवस रात दुदाई दया खेले सगल जग चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी किनड़ के दो ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੇ ਮਸ਼ਕਤ ਖਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇ ਤੇ ਛੁਟੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੇ ਮਸ਼ਕਤ ਖਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇ ਤੇ ਛੁਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ गए मशक दिखाल नानक ते मुख उजले केते छुटी नाल नानक ते मुख उजले केते छुटी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम अरदास जियो मात पिता बारक तेरे तुमरी कृपा सुख
ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਜੀ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹੀ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਧਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖਣੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰੋਣੀ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਏ ਤੇ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪਾਏ ਜੋ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸ਼ਾਦਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਾਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸ਼ਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਧਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਵਾਣੀਓ ਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣੀਓ ਕੇ ਤਾਣ ਨਿਹਟਿਓ ਗੇ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਓ ਗੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਛਾਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਕਲਿਆਣਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਭਾ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਪਤਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਠੁਕਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਠੁਕਰਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਮਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਠੁਕਰਾਲ ਚਿਤਨੇ ਠੁਕਰਾਲ ਮੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੂਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਛੇ ਪਾਉਣੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸ਼ ਮਹਿਰ ਪਾਓ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ
संसार विच विचरदियां वरतदियां सतगुरु जी हुईयां बेअंत भुलां बख्श लेना की बार बख्श बंदे को बाहुर न पवजल फेरा कृपा करुणा सतगुरु जी गुण अवगुणा नू ना चितारना सचे पातशाह चौरासी दे गेड़ तो बचा करके सदैव काल वास्ते अपने चरणा कमलों विच निवास बख्श देना अरदासां बेनतियां दर प्रवान करना बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास रहमतां करनिया पिछे परिवार बच्चियां दी अरदास है बच्चियां नू लंबी आयु बख्शना सतगुरु जी माता पिता दा आग्याकारी गुरसिखी जीवन बख्शना परिवारां विच सुख शांति वरतावना परिवार बच्चियां नू नाम बाणी नाल प्यार गुरसिखी जीवन बख्शना महाराज जीओ अपने चरणा कमलों का प्यार उठ आसरा परिवार बच्चों नू सदा ही बख्शी रखना महाराज जीओ जीवन विच अंग संग सहाई होना चढ़दियां कलां विच रखना भाणी नू मनण दा बल उबद महाराज परिवार बच्चों नू बख्शी रखना रोगी का प्रभु खंडो रोग दुखिए का मिटाओ प्रभु सोग दे महावाक अनुसार महाराज श्रीमती आशा जी की अरदास कृपा करना महाराज सेवकां नू महाराज पूरन दे रोकता दे दाह तंदुरुस्तियां दा जीवन बख्शिश करना नाम सिमरन दियां दातावां दे नाल सेवकां नू नवाजना समूह संगतां दी अरदास हाजरियां तिल फुल भेटां अंदर प्रवान करना कदम कदम लेखे लावणे अपना मेहर प्रयाहत सरबत साध संगत उत्ते रखना संगतां दियां यात्रावां सफलियां करनियां अंग संग सहाई होना जिन्हां खजाने चो सेवा हुजर खजाने भंडारे भरपूर काल कंटक दूर करना एक तो अनेक करना महाराज बीजिया हरिया करना सेवा लेखे लावणे आप जी कृपा करो महाराज लाही मुखवाख बख्श कर संगतां नू करतार्थ करो हुक्मां ते चलण दी समर्था बख्शो आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद देग हाजिर दर प्रवान करो प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे सही प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया पवित्र नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सौ निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਪੁਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਦਉ ਤਉ ਬਿਦਨੀ ਕੀ ਖਟਾਨੀ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤਉ ਬਿਧਨੀ ਕੀ ਖਟਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ ਔਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾਓ
अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरु दीनो मंतानी डिगै न डोले दृढ़ कर रहो पूरन होए त्रिपतानी ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनके बात बिलानी अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर कियो बंधानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर कियो बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु दी साजी निवाजी गुरु सवारी साध संगत जी अज गुरु घर दे अंतक सेवक गुरु प्यार वाले सत्कारयोग सुरगवासी श्री हरीश चंद्र छाबड़ा जी सेवकां नूं जुग जो कि गुरु परमात्मा दे दरों करों जो सवासां दी पूंजी उन्हां नूं बख्शिश होई सी संसारिक यात्रा संपूर्ण कर दे जो जो हुक्म पयो साहिब कासो माथे ले माने अटल हुक्म नूं मनदे होए पिछले समय गुरु परमात्मा दे चरणां विच जा विराजे हन। अज आपां सारे ही उन्हां दी मिठी याद नूं उन्हां दी मिठी याद विच गुरु चरणां दे विच जुड़ बैठे हाँ क्योंकि जिथे गुरु बाणी का जाप हुंदा है उत्थे गुरु महाराज आप हाजिर नाजिर हुंदे हन क्योंकि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे उत्थे गुरु महाराज हाजिर नाजिर हन। सारियां संगतां गुरु महाराज जी के चरणों के आप संगतां शुभायमान हो गुरु महाराज जी का अटल हुक्म है आप संगतां ने सरवण किया हुणे कि जी के एक ही पैमाने ये जिहड़ी जीव की आत्मा की अरदास है ये रब के चरणों के वाहिगुरु के चरणों पर ही कबूल होंदी है प्रवान होंदी है। जे असी कहीए कि एक इंसान के अगे असी अरदास करिए असी संसार अगे अरदासां करदे रहिए साडे जीवन का कुछ भी नहीं सवर सकता क्योंकि इंसान तो आप रब बन बैठा है। लोगों नूं मुश्किलां तो कि होर मुश्किलां दे विच पाई जा रहे हैं। असी वेख्या कि जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुकड़ सुजानी जिस वाहिगुरु परमात्मा ने इस पूरे कायनात संसार की रचना की है वह परमात्मा साढ़े दुख भी जानता है वह अंतरजामी है। जे असी किसी होर नूं रब मन लीए किसी इंसान नूं रब मन लीए इंसान तो कहिंदे ने भेख बना करके सुगड़ सुझानी किया सियाने नूं ओह परमात्मा जिन्हें संसार पैदा किया है यह वाहिगुरु परमात्मा का तन भी दिता होया मन भी उस वाहिगुरु का है। तन दौलत जो कुछ पदार्थ असी वेख रहे अखां राही कहिंदे ने सब परमात्मा के दिते हुए हैं फिर वह परमात्मा सुगड़ सुझानी है बड़ा सियाणा है बड़ा सुचजा है। अछल छलाई ने छले ने घाव कटारा कर सके उस वाहिगुरु नूं कोई भी छल नहीं सकता। कोई मनुख कवे कि मैं भेख बना करके मैं भगवे कपड़े पा करके मैं चिट्टे कपड़े पा करके मैं काले कपड़े पा करके दरवेश बन जावांगा संत बन जावांगा ज्ञानी बन जावांगा तो मैं दुनिया नूं ते ठग सकदा हाँ पर रब नूं ठग नहीं सकदा। वो अछल छलाई वो छलिया नहीं जा सकदा तेरे तो ठगिया नहीं जा सकता। महाराज ने कहा माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलोना जाना मथे में तिलक ला लवान गल दे विच माला पा लवान ते लोग ते मैनू संत आखणगे पर मैं परमात्मा दे दर ते परवान नहीं होवांगा उहदा सच्चा भगत नहीं बन सकता। इस तरह भेख करन दे नाल कहण तो भाव जिहड़ा हिरदा है उहनू पवित्र करना है
असी विकारां वालों गुरु महाराज जी का जो उपदेश है उन्हूं किसी भी भेख तो असी जो है उन्हूं प्रसन्न नहीं कर सकते, वो पाया नहीं जा सकता। बड़ा सियाना है, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, वो वाहिगुरु परमात्मा ही साडा दुख ते सुख सुनता है। जो वह सुन लेंदा है महाराज कहिंदे तां वो विध नेकी खटानी ते साडी चंगी हालत बन जाती है। जी की एक ही पैमानी कहिंदे ना वाहिगुरु परमात्मा जो अरदास है वह वाहिगुरु के दर ते ही प्रवान होंदी है, वो दर ते ही मनी जाती है। पर एकाग्रता दे नाल होवे, किसी विद्वाना ने अरदास जे जिहड़े अर्थ कढ़े हन बड़े सोहणे कढ़े ने कि जीव जिस मालक दे अगे तू अरदास करन लगा है, अरदास दे चार अखर दसे हन, कहिंदे अंतरजामी, वह वाहिगुरु अंतरजामी है, सारियां दा दिलां दी जानन वाला है, वो सारियां दा राखा करन वाला है, रख्या करन वाला है, वो सारे नूं दातां देण वाला है। जे को होए वाहे दातार तिस दिन हर जाने गवार, जिहड़ा मूर्ख जिहड़ा इंसान अपने आप नूं दाता आखदा है महाराज जी कहिंदे ओह तों वड्डा मूर्ख कोई नहीं है। दाता देण वाला कोई होर है ते मनुख अपने आप नूं दाता आखवाई जावे ये चंगी गल नहीं। महाराज जी कहिंदे ने जिस अगे तू अरदास करन लगा है जो सर्वव्यापी है वह सारियां दा दाता है। कहिंदे ठोकरां मारन वाले संसार दे विच बथेरे सानू मिल जाणगे, पर सहारा देण वाला केवल वाहिगुरु। अरदास दा अर्थ यह है कि यह मनुख जिस वाहिगुरु परमात्मा दे चरणों में तू अरदास करन लगा है वह परमात्मा अंतरजामी है, सहारा देण वाला है, रख्या करन वाला है, दाता देण वाला है। उहदे अगे तू अरदास करन लगा है तो अरदास तेरे हिरदे विचों निकले तो परमात्मा दे दर ते प्रवान हुंदी है। क्योंकि मनुख एक एक खिन खिन कहिंदे हन कदम कदम ते भुलां करन वाला है, अभुल गुरु करतार है, पर कहिंदे हन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बख्शिश करदे हन जाप साहिब दे विच कि वाहिगुरु परमात्मा जी ये इंसान एक एक छिन ते कदम कदम ते भुलां करता है। कहिंदे हन बड़ा डीठ है, जिस काम तो इहनूं रोकिया है वरजिया है उही काम यह बारंबार भरा पिया करता है। पर वाहिगुरु जी मैं वेख्या तू ये तो भी कितने वड्डा डीठ है, अत डीठ है, ये डीठ है मनुख, इंसान डीठ है, ये गलतियां करन तो बाज नहीं आंदा, तो तू अत डीठ है, तू दया करन तो बाज नहीं आंदा, तू इन बख्शन दा है, जिहड़ा तेरी शरण दे विच आ जांदा है उन्हूं तू बख्श लैंदा है। सो असां सारियां ने गुरु चरणा दे विच शरण दे विच आए हाँ, परमात्मा दे सर्वव्यापी वाहिगुरु के चरणा दे विच आए हाँ, तो सारियां ने रल मिल करके संगत रूप होकर के अरदास बेनती उस दाते दे चरणा दे विच कीती है। क्योंकि अरदास दे विच उह ताकत है साध सिंह जी असंभव चीज़ नूं संभव बनाने की समर्था रखती है अरदास। कहिंदे हन मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। जदों साडा कुछ है ही नहीं, जो तन उपजिया संघ ही सो भी संघ ना होया। जिहड़ा संसार अस दे विच असी शरीर का मान करते हाँ, बड़ा अहंकार करते हाँ, कहिंदे ये शरीर भी साडा नहीं है, ये जे स्वास चलने वाहिगुरु परमात्मा दीतियां दाता हैं। इस तरह कह लो जो कुछ अखा राही वेख रहे हैं सब कुछ मालक का दिता हुआ है, फिर असी परमात्मा की अर्पण कर सकते हाँ, की दे सकते हाँ। साढ़े को एक अरदास है, साढ़े इको एक बेनती है उस परमात्मा के चरणों के करण वास्ते, शुकराना करने वास्ते बेनती है। सो उस सारे संगत ने रल मिल करके उस वाहिगुरु के चरणों के अरदास बेनती की है कि देहो सजन असी सुनिया ज्यों होवे साहिब चो मेल, ये मनुख खिन खिन भुलण हार है। कहिंदे हन हे वाहिगुरु जी इस जीव आत्मा पासों विचरदियां वरतदियां संसार विच जिन्नी भुलां हो गई होणगियां आप जी कृपा करके बख्श लेना, क्योंकि बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुण तास। किस मनुख का हिरदा वाहिगुरु के चरणों नाल जुड़िया होवे, कहदी अरदास मालक दे दर ते प्रवान हो गई होवे संगत दे विच। सो सारे ने एकाग्रता दे नाल गुरु चरणा दे विच ही अरदास कीती है कि देहो सजन असी सुनिया ज्यों होवे साहिब सुमेल। वाहिगुरु जी जिस तरह भी होवे इस जीव आत्मा दा मेल परमात्मा दे नाल हो जावे, आप जी दे चरणा दे नाल हो जावे, ये अरदास कीती हुई सफल हो जावे। सो सारियां संगतां ने रल मिल करके सत्कारयोग श्री हरि सुरगवासी श्री हरीश छाबड़ा दे
आत्मक कल्याणता सारे ने अरदासां बेनतियां कीतियां हन। सो गुरु महाराज जी कृपा करन, छाबड़ा जी नूं सतगुरु जी सदैव काल अपने चरणा कमलों में निवास बख्शिश करन, पिछे परिवार बच्चों सतगुरु जी भाणा मनन दा बल बख्शी रखन। सारियां संगतां ने साध सिंह जी संसार दे विच हर एक इंसान ने एक दिन इस संसार छड़ के चले जाना है, पर जान दे विच बहुत फर्क हुंदा है। एक सहजता दे विच एक प्रेम भरिया जीवन असां ने जिहड़ा है जीवना है। सारियां ने अमृत वेले उठना है, रब का सिमरन करना है। भावें शरीर का सेहत का भी ध्यान रखो, पारक जाया करो, पर पहला परमात्मा का सिमरन करना है। होर भी जिहड़े कम काज करदे ने, गुरु नानक पातशाह जी के बचन, किरत करो नाम जपो वंड के छको, कि पहला किरत करना है। जीवन के खाली वेले बैठ के रोटियां नहीं तोड़नियां, जीवन के मेहनत बहुत जरूरी है। कहिंदे ने गुरु महाराज जी ने पहला मेहनत करनी है, नाम कदों जपना है गुरु पातशाह जी, कहिंदे ने किरत करो नाम जपो, उस बाद परमात्मा का नाम जपना है। कई मनुख कहिंदे ने कि रब का सिमरन करो केवल, नहीं भाई, पहला किरत करो फिर कहिंदे ने मालक का नाम जपो। उस जपण के नाल की होवेगा, कहिंदे ने हिरदा पवित्र होवेगा, हिरदे विच दया पैदा होवेगी। जदों दया पैदा होंदी है महाराज जी कहिंदे ने, ओ मनुख धर्मी बन जाता है, क्योंकि तोहोल धर्म दया का पूत, क्योंकि दया दे विच ही धर्म ने पैदा होना है। धर्म जिहड़ा है दया का पुत्र है, इस करके दया कदों प्राप्त होंदी है, जदों असीं मालक का सिमरन करदे हाँ, गुरु के दसे हुए राह दे उत्ते तुरदे हाँ। सो अमृत वेले उठो, क्योंकि अज श्री हरीश जी संसार तो गए हैं महाराज जी, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी, असी भी उस लाइन के खड़े हाँ, पता नहीं कदों ये साड़ी भी वारी आ जाए। इस करके असी तैयारी रखनी है, सोहना जीवन बतीत करना है, वैर विरोध रहित जिहड़ा है जीवन बतीत करना है। गुरु महाराज जी कृपा करन, इस सतसंगत का जिहड़ा महत्तम है वह यही है कि असी गुरु चरणों के कुछ सिक्ख्या ले करके घर नूं जाइए। सो सारिया संगतां दा सेवक परिवार छाबड़ा परिवारों वालों बहुत बहुत धन्यवाद है, जो अपने कीमती समां नूं कढ के आप संगतां ने गुरु चरणों दीआं हाजरियां भरियां सतसंगत दीआं कड़ियां बतीत कीतियां हन। सारिया संगतां दा गुरु महाराज जी कृपा करन, हाजरियां दर प्रवान करन। सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है सेवक परिवारों वालों। हुण साध सिंह जी पगड़ी दी रस्म होगी, उपरंत जो है जो भी चाह पानी दा लंगर है वो छके जाना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Namaste everyone. A lot of you would know my relationship with my Nanu. He was my heartbeat and I was his heartbeat. He was my cheerleader. Chahe main itni jeet ho ya itni jeet ho, celebrate hamesha itne ke hisab se hi hoti hai. और मैं 10 रुपये कमाऊँ, 100 रुपये कमाऊँ या 1000 रुपये कमाऊँ, तालियाँ हमेशा मेरे लिए बजी हैं। सो छोटी से छोटी चीज़ होती थी कि नानू आज मेरे को ये हुआ, आज मेरे ये मार्क्स आए, आज मेरे ब्रेसेस उतर गए, आज मुझे ये लगा वो लगा, लाइक दैट। तो हर छोटी छोटी चीज़ों में ना वो बोलते थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, अभी इतना हुआ है ना, कुछ नहीं होता, आगे भी हो जाएगा, लाइक दैट। मेरे नानू नानी दोनों ही ऐसे हैं, ऐसे ही बोलते हैं दोनों, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ जाके, छोटी सी छोटी चीज़ बड़ी सी बड़ी चीज़। आई वॉज मिसिंग, मेरे को तो पहले ये बात अब पता है कि लेट चली थी, सो मम्मा पापा वर नॉट टेलिंग मी इन अ वे कि पता नहीं रिया अकेली है वहाँ पे, सो कैसे हम बताएं कैसे, तो मुझे धीरे धीरे करके बोल रहे थे अभी डॉक्टर्स ये कर रहे हैं, अभी डॉक्टर्स वो कर रहे हैं। और मैं सबको फ़ोन करती थी तो सब अलग अलग चीज़ें बोलते थे कि पापा अभी मार्केट में है, मम्मी अभी कहीं और हैं। मेरा भाई फ़ोन उठा के बोलता था कि रिया मैं अभी फ़ोन नहीं के बात नहीं करा सकता, मुझे मतलब कोई कुछ बता ही नहीं रहा था घर में। एंड मैं सुबह 5 बजे सोई थी कनाडा के टाइम से, और मेरा अलार्म था 12 बजे उठने का, क्योंकि मुझे दोपहर में काम पर जाना था। तो बट मैं अचानक से 10:30 बजे उठी, पता नहीं मुझे, जैसे मुझे सांस नहीं आ रही हो, जैसे मुझे बहुत मतलब परेशान हो रही थी, मैं नींद में से डर के उठी। और मैं फ़ोन कर रही हूँ घर पे तो कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। फिर मैं तैयार हुई और मैं काम पे चली गई, देन मैं काम पे हूँ 8 घंटे के बाद भी मैं फ़ोन कर रही हूँ सबको,
तो सब धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और उसके बाद मैं मतलब बहुत परेशान हो रही थी, तो मम्मा ने फिर बोला कि दैट इट हैपेंड। तो मैं जहाँ मतलब मैं जहाँ खड़ी थी मैं वहीं गिर गई एकदम। और जहाँ भी जो मतलब काम पे जो जो भी हेल्थ टीम थी हमारी, तो उन्होंने मतलब मेरे को थोड़ा ठीक वीक करा, मुझे बात करी। बट मैंने बोला कि मैं मेरे को मतलब जल्दी से जल्दी घर जाना है मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है कि मेरे को फ्यूनरल अटेंड करना था, मुझे क्रिमेशन मैंने वीडियो कॉल पर अटेंड करा है। एंड दैट्स इट। मुझे अगले दिन मैंने मम्मा से अब ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी हुआ है तो अभी आपने सारे अरेंजमेंट इतनी जल्दी कैसे कर दिए, तो मैं बहुत शकी हूँ इस चीज़ में कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे, आप ये नहीं कर। तो उन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि रिया ये जब ये इस टाइम हुआ था और एक दिन पहले हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि मतलब इस जैसे इंडिया के हिसाब से 9 बजे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे सुबह के 10:30-11 बज रहे थे। तो बोलती हाँ, एंड दैट वाज द टाइम कि जब मैं ऐसे डर के उठी थी, क्योंकि मैं सिर्फ 4 घंटे सोई थी तो मैं उठ नहीं सकती थी जल्दी, क्यों मुझे भी फीवर था और मतलब आई वॉजेंट ओके। तो मैं बिल्कुल ऐसे डर के उठी थी जब, एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि व्हेन ही वाज गोइंग अवे, मतलब जब उनकी सांसें खराब हो रही थी, तो उस टाइम मैं ऐसे बिल्कुल डर के उठी थी और आई वॉज वेरी रेस्टलेस, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। देन व्हाट हैपेंड इज सो सिंस ही वॉज ऑलवेज द चीयर लीडर फॉर मी, छोटी छोटी मैं हमेशा समर वेकेशन में नानू नानी हेल्प जाती थी, नानी मैथ्स के होमवर्क में हेल्प करती थी, नानू हिंदी के होमवर्क में हेल्प करते थे क्योंकि मेरी दोनों ही वीक थी। एंड जब भी वो मुझे कॉल करते थे, अभी टोरंटो में बोलते थे मेरी सोने की चिड़िया टोरंटो में उड़ रही है, मेरी सोने की चिड़िया क्या कर रही है, लव यू मैन, मिस यू मैन, ही टॉक्स लाइक दिस विद मी। और मतलब मेरे साथ साथ जितने लोग मुझे जानते थे वो बहुत फ़ैन हो गए थे मेरे नानू के, क्योंकि वो मुझसे बात ही ऐसे करते थे। और जब भी मैं अभी आई एक सॉ वीडियो जब मैं नानी हाउस से जा रही थी ऊबर बुक करके अपने घर जा रही थी, तो मैंने बोला कि मैं हमेशा ऐसे मिलके जाती हूँ नानू से, चाहे वो सो रही हो तो मैं उन्हें उठा के बोलूँगी बाय मैन लव यू ऐसे करके, या अगर उठे होते हैं तो फिर हम बस हमारी पार्टी होती थी, हम दोनों ही काफ़ी थे दूसरे के लिए। एंड सो दिस इज अ वीडियो, हार्डेस्ट थिंग इज कि उन्होंने मुझे बोला था रिया तू 2 साल बाद आएगी ना, तो मैं और टाइगर वेट करेंगे तेरा, टाइगर इज माई डॉग, वैसे बोलते थे मुझे। एंड अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं कि मैं नहीं हूँ इंडिया में। इट्स माई नानूज बर्थडे सून, ही हैड टू बी 81 years old। एंड अब नानू अब मैं सारे पाव भाजी और सांभर तो मुझे ही खाने पड़ेंगे क्योंकि नानू नहीं है। एंड आई वॉज केप्ट माई सेल्फ सो क्लोज कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आके बात करूँगी, मैं कैसे वो करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे रोना नहीं चाहती थी किसी के सामने। कुछ आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन दैट वे कि मुझे नहीं पसंद मैं किसी सामने ऐसे रो रही हूँ। तो इट टुक लाइक 2 days टू मी कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई नो फ्रॉम मम्मा साइड, फ्रॉम पापा साइड, from Nanu's family, from Nani's family, from Masi's family, I know everybody is here. I know you guys have been there. जब से नानो को कुछ भी मतलब चाहे नानो को खांसी होती थी, there are always people who are there to help. Thank you very much कि आप पूरी family के साथ अभी हैं और अभी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। Thank you for showering your blessings. Nanu
was a very pure person. So I know he is blessing all of us, and all of us will sail through things. But नानू यूज़ टू टेल एवरीबडी कि रिया को बोल दो रिया कर देगी नानी ही यूज़ टू से नानी ही यूज़ टू टेल इट टू मासी मम्मा चैतन्या मन्नत कि रिया दीदी को बोल दो रिया दीदी को बोल दो रिया इज़ गोना डू इट बट ही वाज़ जस्ट टू क्लोज टू मी एंड मैं बहुत परेशान थी 2 हफ्ते से मतलब आई वॉज़ नॉट ओके आई वॉज़ नॉट डूइंग ओके बीच में बीमार हो गई थी आई वॉज़ ऑन बेड रेस्ट फिर बहुत सी चीज़ें हुई थी एंड मुझे फैमिली की याद आ रही थी तो इफ़ यू गाइज वुड हैव देर इज़ वन स्पेसिफिक ऑयल विच नानू यूज़ टू पुट विच वॉज द डाबर का आमंड ऑयल जो बादाम ऑयल होता था एंड मेरे पास बादाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है आई डोंट हैव एनी ऐसी फ्रेगरेंस या कोई सेंट ऐसी कुछ भी नहीं है मेरे पास बट फॉर 2 मिनट्स को मैं ऐसे कुछ कर रही थी 2 मिनट्स माई टी शर्ट वो स्मेलिंग लाइक दैट सिर्फ 2 मिनट के लिए थी वो स्मेल वो स्मेलिंग लाइक नानू 2 हफ्ते पहले और आई वाज लाइक कि गॉड ब्लेस्ड मी बट मतलब 2 मिनट के बाद वो चली गई तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ और कैसे हुआ एंड दैट्स इट वी यूज टू कॉल ईच अदर संपो नानू और मुझे दोनों को नहीं पता था संपो का मतलब क्या होता हम एक दूसरे को बुलाते थे संपो मुझे बोलते थे संपो टकराल और मैं बोलती थी संपो झावड़ा हाय संपो ऐसे हम बात करते थे अब और आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी कि आप अपना टाइम निकाल के ही यहाँ पे आए एंड यू आर देयर आई एम सो सॉरी कि मैं नहीं आ पाई क्योंकि 15 घंटे मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आ पाऊँ 15 घंटे मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे सर्वाइव करूँगी तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर तो थैंक यू वेरी मच आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जो आज यहाँ पे हैं और जो नहीं भी आ पाए दैट्स फाइन बट थैंक यू सो मच एंड द होल फैमिली इज ऑलवेज गोना बी ग्रेटफुल टू यू गाइस एंड आई लव दैट मैन आई लव यू संपू चावड़ा यू आर एवरीथिंग यू वर एवरीथिंग टू मी ऑलरेडी एंड यू विल ऑलवेज बी एवरीथिंग एंड चाहे हर छोटी चीज़ हर बड़ी चीज़ में आपको पता है कि हम कैसे याद करते हैं आपको तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से बट थैंक यू आई थॉट ऑफ सेइंग दैट आई वांट टू से सो मेनी थिंग्स अबाउट नानू बट नाउ आई फील लाइक ब्लैंक व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट थैंक यू वेरी मच कि आप सब ने पेशेंटली मुझे सुना 10 मिनट एंड होप टू सी यू ऑल नेक्स्ट ईयर थैंक यू सो मच